आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सीएम चेहरे को लेकर बैठक शुरू। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर यह महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उत्तराखंड बीजेपी के नेता अमित शाह के आवास पर पहुंच रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन बैठक में मौजूद हैं। जेपी नड्डा, बीएल संतोष, पुष्कर धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर फिलहाल बैठक शुरू हो गई है। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। अमित शाह के घर पर यह बैठक हो रही है। उत्तराखंड बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार अमित शाह के आवास भी पहुंचे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति हमारे साथ जुड़ गई है। अदिति, उत्तराखंड में सीएम कौन होगा उसको लेकर बैठक चल रही है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, लगातार पुष्कर धामी का नाम सामने आ रहा था, लेकिन अभी तक तस्वीरें साफ नहीं हुई है। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि पुष्कर धामी अमित शाह से मिलने पहुंचे हैं। और देखिए, वहीं मणिपुर भूपेंद्र यादव मणिपुर में मौजूद हैं और निर्मला सीतारमण, किरण रिजिजू, संबित पात्रा मणिपुर गए हैं। वो लगातार बैठकों का दौर है। अब आप देखिए, अचानक से त्रिवेंद्र कौशिक और धामी तीनों को ही बुलाया गया है। देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद भी भाजपा राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं कर पाई है। हालांकि लगातार ये नाम था कि पुष्कर धामी का नाम कहीं ना कहीं मान लिया गया है। लेकिन वही पूर्व जो मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत, उनको आज सुबह दिल्ली पहुंचने के बाद का कह दिया था कल ही पहुंचने के लिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक हैं, वो भी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंच गए हैं। और इसके बाद अचानक कल देर रात को पुष्कर धामी दिल्ली पहुंच गए थे और अभी अमित शाह के आवास पर उनकी बैठक चल रही है। 10 मार्च को नतीजे भी सामने आ गए थे, लेकिन राज्य के अगले मुख्यमंत्री का नाम तय होने का जो सिलसिला है वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और बीजेपी आलाकमान इस पर फैसला लेने के लिए आज इन सभी को बैठक में बुलाया है। और आपको बता दें कि चुनाव के नतीजे के बाद यूपी, गोवा, मणिपुर राज्यों के जो पार्टी के मुख्यमंत्री का नाम तय, जो ऊपर स्तर पर आलाकमान स्तर पर बहुत सारी बैठकें इसको लेकर हो चुकी है। इसी को लेकर मणिपुर भी आज एक टीम भेजी गई है। बहुत सीनियर नेता जो है वो ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं और इनके शपथ समारोह कार्यक्रम की भी अलग अलग तरीके से जोर से तैयारियां चल रही हैं। लेकिन अभी उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो थे वो चुनाव हार गए थे, उसके बाद उससे पहले भी तीन मुख्यमंत्री हटाए गए थे पिछले कार्यकाल में, बिल्कुल तो बहुत सारे जो है गणित यहाँ पर लगाई जा रही है। उसके बाद आज की बैठक में क्या कुछ तय होगा, हालांकि अगर अदिति यहाँ पर बात करें तो कौन कौन से ऐसे चेहरे हैं जो सामने आ रहे हैं जिनको लेकर ये कयास लग रहे हैं कि शायद इनमें से कोई एक चेहरा उत्तराखंड का सीएम बन सकता है? देखिए, सबसे पहला नाम आज ही जो मैंने आपको धामी का नाम बताया वही सबसे पहले नाम है। लेकिन देखिए, वहां पर उत्तराखंड में जो कास्ट समीकरण का इशू है और पहले भी कई बार मुख्यमंत्री बदले गए, दरअसल हुआ ये है कि अभी तक परीक्षकों के जाने की, जैसे राजनाथ सिंह वहां परीक्षक है, मीनाक्षी लेखी, उनको 19 मार्च को वहां जाना था, लेकिन नामों के चलते, क्योंकि वहां पे बहुत गुटबाजी होने के चलते, मुख्यमंत्री रेस में होने के चलते बहुत सारे ऐसे पेरिस है जो इसमें अपने आप को दावा मान रही है। लेकिन दरअसल हुआ क्या कि पहले जो उत्तराखंड में बीजेपी ने महसूस करा, उसकी वजह से तीन बार मुख्यमंत्री बदले भी गए, तो अब बीजेपी ऐसा नहीं चाहती कि गुटबाजी के चलते कुछ समय बाद ही मुख्यमंत्री को बदलना हो। फिर 19 मार्च को आना था परीक्षकों को, फिर 20 मार्च तय किया गया। अब इसको बताया जा रहा है कि फिर 21 मार्च की बात थी, लेकिन अब बैठक ठीक है जो है फिलहाल आज अमित शाह के यहाँ बुलाई गई है 21 तारीख। जी ठीक है अदिति, इस बैठक पर आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, दोबारा आपका रुख करेंगे। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।